भरतपुर से लाइव तस्वीरें, एक बड़ी कार्यकर्ताओं की रैली यहां पर नजर आएंगी। सीएम खुद मौजूद हैं, बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में वो यहां पर निकले। एक बड़ा रोड शो भरतपुर से, सीधी तस्वीरें। रामस्वरूप कोहली यहां से जो हैं वो सांसद के तौर पर, उन्हें टिकट मिली है प्रत्याशी के तौर पर, उनके समर्थन में आज खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ी रैली की तस्वीरें। शहर के मुख्य बाजारों से ये काफिला गुजर रहा है। रामस्वरूप कोहली के समर्थन में वोट देने की अपील। इस समय उनके साथ गाड़ी में रामस्वरूप कोहली भी मौजूद हैं और साथ ही साथ स्थानीय जो नेता हैं भरतपुर के, वो भी इस रैली के अंदर लगातार मौजूद हैं। बहुत धीरे धीरे ये रैली भरतपुर के मुख्य बाजारों से होती हुई गुजर रही है। एक रूट मैप तैयार किया गया है, मुख्य मुख्य मार्ग और बाजारों से होते हुए ये रैली यहाँ पर चल रही है। भरतपुर में मुकाबला है संजना जाटव और रामस्वरूप कोहली के बीच। तो रामस्वरूप कोहली के समर्थन में ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं वोट की अपील करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से संजना जाटव यहां पर रामस्वरूप कोहली के सामने चुनाव लड़ रही हैं। तूफानी प्रचार सीएम भजनलाल शर्मा का, और ये काफिला बेहद धीमी गति से भरतपुर के मुख्य मार्गों से होता हुआ बड़ी तादाद में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। रामस्वरूप कोहली उनके साथ जो है वो गाड़ी पर नजर आएंगे। धीरे धीरे ये काफिला यहां से आगे निकल रहा है और संभवतः इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन यहां पर। एक बड़ा मुकाबला भरतपुर में। हालांकि भरतपुर में अगर दूसरे मुकाबलों के बीच में गौर किया जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर, त्रिकोणीय एंगल अब बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला होगा। इससे पहले 2014 में या फिर 2019 में, यानी इन दोनों ही लोकसभा चुनाव के अंदर सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, खास तौर पर नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने, कि इस रिकॉर्ड को बनाए रखना। क्या ये रिकॉर्ड 25 सीटों का इस बार जो है बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने। तूफानी प्रचार देखा जा रहा है। ये सीधे भरतपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी आप देख रहे हैं। और बीजेपी यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फूलों से सजी ये गाड़ी बीच में देख रहे हैं। भरतपुर में महामुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां रामस्वरूप कोहली बीजेपी के हैं तो वहीं संजना जाटव कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक समा बांधी जा रही है। भरतपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली, जिनके पक्ष में वोट की अपील रोड शो के जरिए की जा रही है। बड़ी तादाद में लोग आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी तादाद में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। एक मैसेज देने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। भरतपुर एकदम टाइट मुकाबला है, इसलिए भरतपुर को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जरिए, रोड शो के जरिए आपको दिखाई पड़ा। दो दिवसीय भरतपुर के दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज दूसरा दिन है जिसमें रोड शो भी किया जा रहा है। तो ये जो बीजेपी का रोड शो है ये, और आज राजस्थान में दो रोड शो बीजेपी के होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी शाम 6 बजे जयपुर में रोड शो करेंगे। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा वो रोड शो है, 2 घंटे का रोड शो है। और उसके पहले भरतपुर में भी आप रामस्वरूप कोहली के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये रोड शो देख रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी का मिशन है, मिशन 25, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और अब बीजेपी उसी क्रम में आगे बढ़ी है, क्योंकि 19 अप्रैल को ही
राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होना है और उसी क्रम में ही बीजेपी अब चुनाव प्रचार प्रसार को और धार दे रही है, क्योंकि समय यानी कि वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है। जब बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार या यूं कहें कि पहले चरण के लिए मतदान के लिए चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी कोई एक मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिस दिन वो मैसेज या माहौल ना बना रही हो। इसलिए इस क्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आज भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से तमाम वो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। भरतपुर से संजना जाटव और रामस्वरूप कोहली, 2004 में अगर हम बात करें रामस्वरूप कोहली की, तो 2004 में बयाना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। 2006 में मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे रामस्वरूप कोहली। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनात रहे हैं और 2023 हालांकि विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र की कई सीटों पर तमाम वो बागी हो गए थे जब विधानसभा का चुनाव था, जब टिकट कटे थे या लोगों को उम्मीद थी उनको टिकट बीजेपी के द्वारा नहीं दिया गया, तो तमाम वो लोग बागी हो गए थे, लेकिन उन सबको मनाने का काम रामस्वरूप कोहली ने किया था। सबके ऊपर फिर से भाजपा के प्रति उन्होंने विश्वास जगाया और इसीलिए पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताकर मैदान में उतारा और उन्हीं के पक्ष में आज वोट अपील की जा रही है रोड शो के जरिए।